अच्छा आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्या है आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग बेटा? खड़ी हो जाइए। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग है। पुल्लिंग का दो उदाहरण दीजिए। खड़ी हो जाइए, दो उदाहरण दीजिए तो संज्ञा का। जरा फर्श देख लीजिए, दिखाइए। सरकारी स्कूल में ये सब बेसिक समस्या है। यहाँ यहाँ दिखाइए, देखिए इधर देवनागरी कक्षा, पता नहीं ये कब का लिखा हुआ है, सब कब का लिखा हुआ है, ये कल का लिखा हुआ, आज कुछ नहीं पढ़ाया गया बोर्ड पर ना। अच्छा ये बताओ कि सातवीं कक्षा में चले गए हो तो हिंदी पढ़ने आता है? हल्का फुल्का। हल्का फुल्का आता है, चलो पढ़ के सुनाओ तो। गिल्लू के बारे में क्या लिखा हुआ है? किसी के पापा नौकरी में है क्या? नहीं है ना। देख लीजिए, झारखंड वासियों सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? समझ में आया अभी भी या नहीं आया? साइंस का स्पेलिंग जानती है? SIENS। अपर क्लास किधर है सर? ऊपर है, तो ऊपर वाले क्लास में चलता है। ये देखिए सीढ़ी है, यहाँ पर देखिए सब कुछ बेसिक जो चीज होता है, आधारभूत चीजें होती है, वो सब कुछ है। और बरसात की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा पानी का इधर उधर पानी जमा हुआ है, जरा एक बार देख लीजिए। हम ऊपर क्लास में चलते हैं, जरा फर्श देख लीजिए, दिखाइए। सरकारी स्कूल में ये सब बेसिक समस्या है। यहाँ यहाँ दिखाइए, देखिए इधर गर्मी बहुत ज्यादा है। अपर क्लास में हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। अच्छा ये कौन है, शिक्षक? नहीं है, बुला दीजिए। आई वेरी गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। तो ये कौन सा क्लास है बेटा? सेवेंथ ना, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी मैं सेवेंथ क्लास में हूँ। स्कूल का नाम है राजकीय कृत मध्य विद्यालय राह है, जो कि रांची से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और यहाँ पर देख लीजिए देवनागरी कक्षा, पता नहीं ये कब का लिखा हुआ है, सब कब का लिखा हुआ है ये? एग्जाम का। अभी एग्जाम हो रहा था आज ही है? कल का लिखा हुआ, आज कुछ नहीं पढ़ाया गया है बोर्ड पर ना? पढ़ाया गया सर, नीचे में पढ़ाया तो मिटा दिए हैं अभी। अच्छा नीचे में पढ़ाया गया, अच्छा ठीक है। तो सातवीं कक्षा में है हम, देख लीजिए यहाँ पर भी पंखा लगा हुआ, दो दो बराबर वायरिंग किया हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अनुपात के हिसाब से बच्चे नहीं है। समस्या ये है क्योंकि शिक्षक नहीं है यहाँ पर, और एक ही क्लास में सातवीं के बच्चों को बैठाना पड़ता होगा शिक्षक की कमी की वजह से। क्या बोलते हैं सर? हाँ एक ही क्लास में बैठाने की अच्छी है, दूसरा क्लास हम दे नहीं सकते, इसको सेक्शन दो नहीं कर सकते। क्लासरूम भी नहीं होगा एक्स्ट्रा? क्लासरूम एक्स्ट्रा अगर है तो फिर टीचर नहीं है, जैसे अभी स्थिति आप देख रहे हैं। हम तो फिर उनको अलग बैठाइएगा तो फिर पढ़ेंगे कहाँ से, इसलिए कंबाइंड नहीं सेपरेट करके बैठाना पड़ता है। जी देखिए समस्या ये है कि अगर 70 बच्चे भी आएंगे तो 70 को एक ही में, एक ही क्लास में अभी तो बैठाएंगे ही, है ना? हाँ अभी तो जी। तो शिक्षकों की कमी अगर हर जगह नजर आ रही है, जरा देख लीजिए। और समस्या ये है ना कि लाइट की इधर प्रॉब्लम है, लाइट नहीं रहती है ज़्यादातर। और बच्चे हैं यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक मुंडा। उठ जाओ कार्तिक मुंडा। हाँ। क्या पढ़ रहे हो अभी? हिंदी। हिंदी क्या लिखा हुआ है? गिल्लू। हाँ ओके वेरी गुड। पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर सब बनाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे ना? हाँ। जैसे सर का काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना है। मेरा काम क्या है? माइक लेकर रिपोर्टिंग। हाँ, करना। हाँ, तो तुम्हारे पापा का भी कोई काम होगा ना? हाँ, क्या? घर और बनाते हैं। तो मिस्त्री का काम हुआ। हाँ, तो तुम आगे चल के क्या बनना चाहोगे? मुस्कुरा रहे हो, सोचे नहीं हो? नहीं सोचे। हैं? नहीं सोचे। अच्छा तुमको ये बताओ कि सर टाइम पे पढ़ाने आते हैं रोज रोज? हाँ आते हैं। कै बजे क्लास लगता है? 9 बजे लग जाता है। छुट्टी कै बजे होता है? 3 बजे। 3 बजे होता है। हाँ। खाना मिलता है? हाँ। चलो बैठ जा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? पंकज महतो। तेज बोलो ना, वो कैसे बोल रहा था? पंकज महतो। पंकज महतो। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं। काम करते हैं। अच्छा ये बताओ कि सातवीं कक्षा में चले गए हो तुम, हिंदी पढ़ने आता है? हल्का फुल्का आता है। हल्का फुल्का आता है। चलो पढ़ के सुनाओ तो। गिल्लू के बारे में क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़ो। नहीं आता है, है? नहीं आता है पढ़ने? नहीं। एक साल में कई महीना होता है? एक साल में? हाँ 12। हैं 12। कौन कौन? दिसंबर,
तेज बोलो, जोर से बोलो, सर बोल रहे हैं हम कैसे बोलो, जोर से बोलो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। चलो ठीक है, बैठ जाओ, लो किताब ले लो तुम। क्या नाम है बेटा, उठ जाइए। शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, पापा क्या करते हैं बेटा? ईटा भट्टा में काम करते हैं। ईटा भट्टा में काम करते हैं, अच्छा। सबके पापा आप लोग का गांव में क्या करते हैं, किसके पापा नौकरी में है कोई बता सकता है यहाँ पे? सरकारी नौकरी में या कोई प्राइवेट नौकरी में जहाँ से बाहर काम करते हैं, किसी के पापा है क्या? नहीं है, सबके पापा गांव में ही काम करते हैं। हाँ। हाँ। तेज बोलिए। हाँ। किसी के पापा नौकरी में है क्या? नहीं, नहीं है ना। देख लीजिए, झारखंड वासियों सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं, समझ में आया अभी भी या नहीं आया? ईटा भट्टा में काम करने वाले मिस्त्री के बच्चे, लेबर के बच्चे, कुली के बच्चे, वैसे बच्चे पढ़ते हैं। बेटा आप सातवीं कक्षा में हैं? हाँ। कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका विषय? मालूम है? नहीं मालूम है विषय का नाम? ना। कविता आता है? एबीसीडी आता है? हाँ। हाँ। पूरा? हाँ। कखा कखा? हाँ। गिनती? हाँ। तेज बोलिए ना। हाँ। गिनती आता है? हाँ। अच्छा, 80 के बाद क्या आता है? 81। चलिए बैठ जाइए, गुड, ठीक है, खड़ी हो जाइए आप। क्या नाम है? बुलबुल कुमारी। तेज बोलिए, बुलबुल कुमारी। हाँ। क्या नाम है? बुलबुल कुमारी। कौन से क्लास में है? 7। सब्जेक्ट कौन कौन सा है आपका? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST। हाँ। संस्कृत। हाँ। अच्छा, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। वेरी गुड, साइंस का स्पेलिंग जानती है? SIENCE। आसानी से, कोई दिक्कत नहीं यार, गलती सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। SCINCE गलत है बेटा। अच्छा ये बताओ कि आपको पहाड़ आता है? हाँ। कितना तक? 20 तक आता है? 20 तक पहाड़ा तक किसको किसको आता है? 10 तक है? 10 तक आता है? नहीं, 200 पहाड़ा 20 तक आता है। अच्छा हमको ना 13 का सुना दो। 13 ऐसे 13 का 13 हम कैसे? हाँ, नहीं अभी भी तेज नहीं बोल रही हो। 13 का 13 13 13 40 13 44 13 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 भुला गई, भूल गई ना, हड़बड़ाओ मत, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले से पूछते हैं, देखिए प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बेटा उठ जाओ, था क्या नाम है? महादेव महतो। खाना मिल रहा है? हाँ। क्या क्या मिलता है? चावल, दाल, सब्जी। अलग अलग मिलता है ना रोज रोज? हाँ। है? हाँ। तो रोज क्लास आते हो पढ़ने? हाँ। रोज यहाँ पर शिक्षक आते हैं पढ़ाने? हाँ। है? हाँ। रोज आते हैं? हाँ। सर टाइम पर आते हैं ना? हाँ। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप कौन से क्लास में हैं? 7। सब सातवें वाले हो ना आप लोग? हाँ। तो ये बताइए कि एक घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। कितना? 60 मिनट। 60 मिनट ना, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ताली बजाइए। झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? 24। ताली बजाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। सर आपके यहाँ बच्चे तेज हैं सर, क्या कारण है? कुछ देखिए, सभी बच्चे दुनिया के किसी भी स्कूल में तेज नहीं हो सकते एक समान, लेकिन बेसिक चीज इनको मालूम है, बहुत अच्छा लगा। स्वर और व्यंजन जानती हैं आप? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण नहीं। आप जानती हो? नहीं। आपको मालूम है? नहीं। आपको मालूम है? किसको मालूम है? स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण किसी को मालूम है सातवीं कक्षा में? हैं, कौन बताएगा? आप बताओगे? यह बताएगा, ये तो बताइए देगा यार, जब जिला बता दिया 24 को, कौन कौन बता दो। स्वर वर्ण में ओ आ, स्वर वर्ण में क्या आता है? ओ आ ई। हाँ, आ आ ई। हाँ, उ उ। हाँ, हो गया, समझ गया। आगे आगे और क ख ग घ हो गया। हाँ। व्यंजन, ताली बजाइए। 50 को बच्चा में एक लड़का बताया, आप लोगों को क्यों नहीं आता है इतनी छोटी छोटी बात, बताइए कहाँ कमी है? सर पढ़ाते नहीं हैं? पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं आता है? चलिए अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आप लोग घर पे पढ़ते हैं? हाँ। रोज रोज? हाँ। कई घंटा? दो। अभी कोई नहीं, सब लोग कोई नहीं पढ़ता है, कौन कौन नहीं पढ़ता है सच सच बताए, हाथ उठाइए। पढ़ते हैं?
खड़ा होइए तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। यस yes. yes. ठीक है। yes. yes. खड़ी हो जाइए, दो उदाहरण दीजिए तो संज्ञा का। किसी चीज का तेज बोलिए, ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है। आप स्त्री हैं या पुरुष? स्त्री। उदाहरण दीजिए दो स्त्री का। आई है? क्या होता है? बढ़ जाइए बढ़ जाइए। गलती सही कुछ नहीं चलता है, बोलना चाहिए। लेकिन खड़ी हो जाइए। अच्छा, आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्या है, आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? नहीं जानेंगे। आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग बेटा? क्या है? स्त्री। क्या है? स्त्री। क्या है, तेज बोलिए, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्री। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होता है ना। क्या है बेटा, क्या होता, क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्री। स्त्रीलिंग का दो उदाहरण दीजिए तो। पता नहीं। नहीं पता है, आगे वाले खड़ी हो जाइए। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। पुल्लिंग का दो उदाहरण दीजिए। नहीं दे सकती है, आप खड़ी हो जाइए। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। दो उदाहरण दीजिए स्त्रीलिंग के। गाय, बकरी। ताली बजा दीजिए। गाय दूध देती है, क्या हो गया? स्त्रीलिंग है ना। तो इतना सिंपल सिंपल आप नहीं बता पाए, ठीक है ना। अब मन लगा के पढ़िएगा ना। सर पढ़ाए थे ये सब चीज? पढ़ाए थे। तो अच्छा लगा आप लोग से बात करके। ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप लोग अगर अच्छा नहीं पढ़िएगा ना तो आगे जाके बड़ी दिक्कत होगी। अभी मालूम है ना मैट्रिक का रिजल्ट आया है, सब लड़की लोग टॉप की है। मालूम है कि नहीं मालूम है? कौन टॉप की है? पता है ना, लड़कियाँ टॉप की है ना। तो आप लोग आगे जाइएगा तभी ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। आइए, तो अभी हम राजकीयकृत मध्य विद्यालय राय के स्कूल में हैं और अच्छा लगा यहाँ पर आके। देखिए स्कूल अच्छा है, सरकारी स्कूल के हिसाब से बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ पर देखिए सर पढ़ा रहे हैं, दिखा दीजिए शिक्षक है बराबर। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, सब कुछ है। अच्छा लगा बात करके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए शिक्षा व्यवस्था को सुधारना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे नेताओं को। शिक्षा व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हमारा राज्य और देश नहीं सुधरेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सबसे पहले शिक्षा सुधारना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।